गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग पॉलीमर के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चुके हो, किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, वर्गीकरण भी हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने अब तक तीन प्रकार से इसका वर्गीकरण पढ़ा था। एक था स्रोत के आधार पर, दूसरा पढ़ा था एकलक इकाई के आधार पर। एकलक इकाई के आधार पर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बहुलकन या बहुलीकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका जो चौथा वर्गीकरण पढ़ते हैं, चौथा जो वर्गीकरण है वह है किस आधार पर? चौथा वर्गीकरण इस आधार पे है कि जो बहुलक श्रृंखलाएं बन रही हैं उनकी संरचना कैसी है, यानी कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इस आधार पर बहुलक जो हैं वो कुल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार? हम लोग तीनों को एक साथ लिखते हैं। पहले होते हैं रेखीय बहुलक, दूसरे होते हैं साखित बहुलक, तीसरे होते हैं तिर्यक बंधित, या इसी का एक नाम है नेटवर्क बहुलक, ठीक है। देखो, रेखीय बहुलक वे बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाएं बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि एक रेखा में होती है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई शाखा नहीं जुड़ती है। ये जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के पास पास कैसी अवस्था में होती है? सुसंकलित अवस्था में होती है। सुसंकलित अवस्था में होने के कारण इनकी जो तनन सामर्थ्य, इसके अलावा घनत्व, इसके अलावा गलनांक आदि जो हैं उनके मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। रेखीय बहुलक में कोई भी शाखाएं नहीं पाई जाती है, बहुलक श्रृंखलाएं सीधी होती हैं और बहुत सारी बहुलक श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के पास पास यानी कि सुसंकलित अवस्था में पाई जाती है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, हिंदी में इसको कहा जाता है उच्च घनत्व पॉलीथीन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नायलॉन 6,6, इसके अलावा हम लोग बात करें पॉलीएस्टर, ये जो हैं वो रेखीय बहुलक के कुछ उदाहरण हैं। अब देखो आगे साखित बहुलक। साखित बहुलक में ऐसा होता है कि जो मुख्य बहुलक श्रृंखला होती है उसके आसपास या उसके साथ कुछ अन्य शाखाएं जुड़ती हैं, तो यह जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य बहुलक श्रृंखला, जबकि इसके साथ जो ये जुड़े हुए हैं वो हैं साखित बहुलक श्रृंखला। ये साखित श्रृंखलाएं जो हैं इनकी लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। ये आपस में जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं वो सुसंकलित अवस्था में नहीं होती हैं। सुसंकलित अवस्था में न होने के कारण इनके जो तनन सामर्थ्य हैं, घनत्व है और गलनांक है, इनके मान क्या हो जाते हैं? बहुत ही कम हो जाते हैं। किस किस के? गलनांक के मान भी कम हो जाते हैं, इनके घनत्व के मान भी कम हो जाते हैं, इनके तनन सामर्थ्य जो है इनके मान भी कम हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इनका एक एग्जाम्पल है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन। इसके अलावा एमिलो पेक्टिन, इसके अलावा ग्लाइकोजन, ये जो है वो
साकेत बहुलक के कुछ उदाहरण हैं। तिर्यक बंधित या नेटवर्क बहुलक, इन तिर्यक बंधित या नेटवर्क बहुलक को अगर देखा जाए तो ये सामान्यतः त्रिक्रियात्मक, आप कीजिएगा, ये सामान्यतः द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूहयुक्त एकलक के द्वारा बनते हैं। इनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंध पाए जाते हैं। ये तिर्यक बंध पाए जाने के कारण ये जो हैं ये कठोर, भंगुर और दृढ़ होते हैं। कठोर, भंगुर या और दृढ़ होते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है वो इसका एक उदाहरण है। तो संरचना के आधार पर जो तीन प्रकार के बहुलक होते हैं, रेखीय, साखित और तिर्यक बंधित, और ये जो हैं यह हैं इनके एग्जाम्पल्स। अगला जो वर्गीकरण है, पांचवा वर्गीकरण, हम लोग पढ़ेंगे आणविक बलों के आधार पर, यानी कि जो बहुलक श्रृंखलाएं पाई जाती है उनके मध्य आणविक बल किस प्रकार के होते हैं। इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं, या हम लोग कहें, माफ कीजिएगा, बहुलक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले बहुलक जो है वो है प्रत्यास्थ बहुलक, और दूसरे जो है उनको हम लोग कहते हैं रेसे, यानी इलास्टोमर्स और फाइबर्स। ये दो टाइप इस कैटेगरी में आते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता है, इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। क्या होती है प्रत्यास्थता? इसमें ऐसा होता है कि अगर हम किसी वस्तु के ऊपर एक नियत सीमा का बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास रबड़, आप उसको एक सीमा तक खींच रहे हो, तो जैसे ही आप ये बल हटाओगे वापस अपनी पहले वाली अवस्था में चला जाएगा। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है उनके मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। दुर्बल अंतराण्विक बल पाए जाने के कारण इनके जो गलनांक है, घनत्व है, तनन सामर्थ्य है आदि के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। इनमें जो प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है वो इनमें कुछ मात्रा में जो तिर्यक बंध पाए जाते हैं उनके कारण होता है। अगर हम लोग बात करें इनके एग्जाम्पल की तो इनका एग्जाम्पल है वल्कनीकृत रबर। प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता कम होती है, लेकिन जब हम लोग उसको गंधक या सल्फर, जिसे हम लोग कहते हैं, के साथ गर्म करते हैं तो कुछ तिर्यक बंध बन जाने के कारण उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, और उसे हम लोग कहते हैं वल्कनीकृत रबर। इसके अलावा ब्यूना एस, ये इस कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेसे। रेसे जो हैं उनको हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? धागा। और धागे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वस्त्र उद्योग में काफ़ी उपयोगी भी हैं। धागा हम लोग कह रहे हैं ये जो है इनमें प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। प्रबल अंतराण्विक बल अगर पाए जाएंगे तो इनमें प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण इनका घनत्व ज़्यादा होगा, गलनांक भी ज़्यादा होगा, और इनकी तनन सामर्थ्य जो है वह भी ज़्यादा होगी। इस कैटेगरी के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं नायलॉन 6,6 जो कि पॉलीएमाइड कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो पॉलीएस्टर में हम लोग लिखें तो टेरिलीन भी इस कैटेगरी का एक एग्जांपल है। धागे और रबर, इनको हम लोग सामान्यतः कहते हैं रबर और इनको हम लोग सामान्यतः कहते हैं धागा। रबर में आपको वैसे भी पता है प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसलिए इनका सामान्य नाम क्या है, रबर। बहुलक का जो अंतिम वर्गीकरण है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको अगर देखा जाए तो हम लोग ये वर्गीकरण पढ़ते हैं, नंबर 6 जो है वह है ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। यानी कि कोई भी बहुलक ताप के साथ कैसा व्यवहार दर्शा रहा है, ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ताप सुघट्य, या जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहते हैं। दूसरा है ताप दृढ़, या जिसको हम लोग थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। ताप सुनम्य, यानी कि ये ऐसा बहुलक है जब आप इसको ताप के साथ गर्म करोगे तो यह गलने लगेगा। जब यह गलने लगेगा तो गलने के दौरान इसकी जो अवस्था है वो कैसी परिवर्तित हो जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। जब हम लोग इसे पुनः क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये पुनः किस अवस्था में बदल जाएगा, ठोस। यानी कि ऐसे बहुलक हैं ये जिनको एक ताप पे गर्म करके दोबारा ठंडा करने पर बार बार हम लोग इनको इच्छित आकृति में बदल सकते हैं, इच्छित आकृति में बदल सकते हैं। यानी कि आप बार बार इनको अलग अलग, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जो रिसाइकिल होके जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको हम लोग दूसरी शेप में, या जो प्लास्टिक होता है उसको हम लोग दूसरी शेप में बदल सकते हैं, इस कैटेगरी में ये आते हैं। अगर हम लोग इस कैटेगरी के एग्जांपल्स देखें तो सभी रेखीय बहुलक जो हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़े रेखीय बहुलक जो हैं, वो इस कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। हम लोग अगर बात करें इनके मध्य आकर्षण बल के बारे में, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो पाया जाता है किस किस के बीच, इसके इनमें जो आकर्षण बल है वह प्रत्यास्थ व रेशों के मध्यवर्ती होता है। यानी कि इनमें जो आकर्षण बल है यह इस कैटेगरी के जो दोनों बहुलक हैं उनके मध्यवर्ती होगा। एक है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक वे होते हैं जब हम लोग इनको गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करने के कारण इनके अंदर के जो तिर्यक बंध हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो संख्या बढ़ने से ये जो है वो अगलनीय स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जैसे हम लोग इनको बार बार गर्म और ठंडा करके इच्छित आकृति में बदल पा रहे थे, इनको हम लोग इच्छित आकृति में नहीं बदल सकते हैं, या हमारे मनपसंद का आकार इसको नहीं दिया जा सकता है। इनके अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जो सभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सभी तिर्यकबद्ध बहुलक जो पढ़े वो इस कैटेगरी का एग्जांपल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ब्यूना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेकेलाइट, मेलामाइन, फार्मेल्डिहाइड रेजिन, इसके अलावा जितने भी जो ताप दृढ़ बहुलक हैं वो इस कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। तो ये हम लोग बहुलक का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्रोत के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा कि बहुलक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो हमें जंतुओं से या पौधों से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं, अर्ध संश्लेषित जो मिलते तो प्रकृति से हैं लेकिन उनके गुणों में कुछ सुधार कर लिया जाता है। एकलक इकाई के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक था
जिनमें सारी की सारी एकलक इकाइयाँ एक जैसी होती है उसे हम लोग कहते हैं समबहुलक। एक था जिसमें एकलक इकाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती है जिसे हम लोग सहबहुलक या विषम बहुलक कह रहे थे। बहुलकन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो बहुलकन के आधार पर हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े, एक योगात्मक बहुलक जिनमें असंतृप्त एकलक इकाइयाँ भाग लेती हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा संगणन बहुलक जिनमें द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूहयुक्त एकलक इकाइयाँ भाग लेती हैं। हमारे पास जो चौथा वर्गीकरण था संरचना के आधार पर हम लोगों ने तीन प्रकार के बहुलक पढ़े, रेखीय बहुलक, साकेत बहुलक और तिर्यकबद्ध बहुलक। आणविक बलों के आधार पर हम लोगों ने प्रत्यास्थ बहुलक जिनको रबर भी कहा जाता है वो पढ़े और रेसे जिनको धागा कहा जाता है। ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक पढ़े। ताप सुघट्य बहुलक हम लोग अपने हिसाब से इनको इच्छित आकृति में ढाल सकते हैं जबकि इनको गर्म करके नहीं ढाला जाता, क्यों? क्योंकि ये अगलनीय या दुर्गलनीय होते हैं जबकि ये आसानी से गलन अवस्था में आ जाते हैं। ये था बहुलकों का वर्गीकरण। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुलीकरण की क्रियाविधि जो कि डिटेल से पढ़ी जाएगी। आपको ये करना है कि इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है, अगले लेक्चर में हम लोगों को ये काफ़ी काम आएगा। थैंक यू।